हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? हो आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। गाइस, टाइम लैस्टिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेसोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जीज आपका मैच करें दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए। ओ ज़ोडियक साइन मेरे ख्याल पर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नंबर फाइव, नंबर थ्री, मार्च और मे मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर थ्री एंड फाइव, 35 या 8, आप से रेसोनेट हो जैसे वैसे लीजिएगा। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वन मोर कार्ड, ओके, जहां तक मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ, ब्यूटीफुल, आपके जो पर्सन है यूनियन चाहते हैं, नो डाउट आपके पर्सन आपसे यूनियन चाहते हैं, और ये आपके साथ कुछ हो सकता है, कुछ मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट आपके साथ करना चाहते हैं। सो कोई सेलिब्रेशन हो सकता है कुछ व्यूवर्स के लिए, सम ऑफ यू कोई सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में अभी आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आप दोनों कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ मिलके, या आपकी एनिवर्सरी भी हो सकती है, आपकी आपका बर्थडे भी हो सकता है। सो आपके जो पर्सन है ये आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये यूनियन चाहिए, ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए चोरों की तरह आप पे नज़र रखी जा रही है। ये बाज नहीं आने वाले गाइस, ये नहीं आएंगे बाज, है ना, आदत से मजबूर हैं, हमेशा से चोरों की तरह ही इस कनेक्शन में आए थे, चुपके से आए थे, चुपके से निकल लिए, और अभी भी ऐसा कुछ ही कर रहे हैं, चुपके से आने वाले हैं, किसी को बिना बताए ये चुपके से एंटर होने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपके पर्सन फॉर शो आप पर एक जीत हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो भी दिख रहा है, झुकना तो बिल्कुल नहीं है, झुकना नहीं है, स्पाई कर रहे हैं आपको, आपको स्टॉप कर रहे हैं, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं जहां ऐसा समझ लीजिए इनको झुकना भी ना पड़े, इनका ईगो भी सेफ रह जाए और आपको ये अप्रोच भी कर लें। तो कोई ऐसा रास्ता निकालने के बारे में सोच रहे हैं जहां आप, मतलब हो सकता है ये कोई ऐसा बहाना, जैसे मान लीजिए कि किसी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर मतलब कोई ना कोई बहाने से आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट अप्रोच नहीं दिख रही, क्योंकि डायरेक्ट अगर इन्होंने आपको अप्रोच कर लिया तो फिर इनका तो सर झुक जाएगा ना, और वो तो झुकना नहीं चाहिए ना। आपके पर्सन आपको इनडायरेक्टली अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये यूनियन चाहते हैं इस कनेक्शन में, और यूनियन तो तभी आएगा ना जब आपको ये अप्रोच करेंगे, और अप्रोच तो तभी करेंगे ना जब इन, जब कोई इनको रास्ता मिले जहाँ इनका ईगो भी सेफ रहे और एक्शन भी लिया जाए। डायरेक्ट वे में आते हुए नहीं नज़र आ रहे मुझे, मुझे कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ आगे चल के आपको बोल सके कि देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आया था, या मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आई थी। ठीक है, इट बिग यस, अभी आपके मन में जो भी क्वेश्चन चला, जो भी मन में आया, अभी रिवर्स में जाओ, कुछ सेकेंड्स पहले आपके मन में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर बिग यस है। ओके, डेफिनेटली गाइस, न्यू स्टार्ट, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 19 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एस इनिशियल किसी का हो सकता है, सी इनिशियल किसी का हो सकता है, ए इनिशियल किसी का हो सकता है, और एज ऑफ नाउ तो मुझे यही दिखे। रिसेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, पॉजिटिविटी आने वाली है इस कनेक्शन में, पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, एक एक्साइटमेंट के साथ एक अप्रोच आ रही है, लेकिन ये जो अप्रोच है ये इनडायरेक्ट होगी, ये डायरेक्ट अप्रोच नहीं लग रही मुझे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, मैंने क्या कहा, मैंने अक्सर मेरे साथ यही होता है गाइस, मैं जब भी किसी कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ उसका सिमिलर कार्ड, सिमिलर क्या, सेम ही, उसका, उसके टिकटॉक, उसके जैसा। देखिए, दिस सन को क्लैरिफाई किया है दिस सन ने,
ये कंफर्मेशन है, पॉजिटिविटी आ रही है इस कनेक्शन में, सीरियसनेस आ रही है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन आपको लेके सीरियस हो रहे हैं, साथ में डर भी रहे हैं। डर क्यों रहे हैं? कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। देखिए, इन्होंने तो मन बना लिया है कि आपकी तरफ आना है, इन ये तो सीरियस हो गए हैं आपको लेके। जैसे ऐसे समझ लीजिए, अभी हो सकता है पास्ट में ये इंसान आपको लेके इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन मैं इतना अभी आपको बोल सकती हूँ कि अभी इस इंसान के अंदर वो इमोशंस जनरेट हुए हैं आपको लेके, बहुत ही जेन्युइन इमोशंस जो आज से पहले इन्होंने कभी फील नहीं किए आपके प्रति, और अभी ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। साथ में डर भी रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि थोड़ी देर पहले बताया था ना, कहीं आप इनको धिक्कार ना दो, आने से पहले इनको बाहर का रास्ता ना दिखा दो, क्योंकि ये तो श्योर है कि इनको इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाहिए। एस एस, ठीक है, पॉजिटिव कार्ड है, सारी पॉजिटिविटी आ रही है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन जो पास्ट में आपको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, अभी आपको लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस अभी मुझे देखिए ये कार्ड गिरा है, कौन सा गिरा है देख लीजिए, उस डेक में भी यही था। एक मिनट, यहाँ पे हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कोई बच्चा इन्वॉल्व है, या फिर ये किसी के बच्चे हैं, मम्मा बॉय हो सकते हैं। जैसे मम्मा ने कह दिया वैसे ही सही है, क्यों आपके पास दिमाग नहीं है, मम्मा जो कहेंगे वही सही होगा। अगर मम्मा जो कहते हैं सही है, तो मम्मा ने तो ये भी नहीं कहा था कि बाहर जाके नैन लड़ाओ, बाहर जाके इश्क लड़ाओ किसी से, क्यों क्यों रिलेशनशिप में आए जब मम्मा का ही कहना मानना था। लेकिन मम्मा भी उस वक्त याद आती है जब इनको कोई एक्सक्यूज चाहिए, है ना, तब मम्मा याद नहीं आती। मम्मा से पूछ के आए थे रिलेशनशिप में, उस वक्त भी पूछना था कि मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, मम्मा जाऊँ या रहने दूँ। बड़े आए मम्मा, मम्माज बॉय। डेथ गए काम से, खत्म। क्या खत्म? रिश्ता नहीं, आपके पर्सन नहीं, वो तो आपको लेके डूबेंगे। ओके, देखते हैं डेथ का कार्ड। राम जी, डेथ का कार्ड आप क्लैरिफाई करें, डेथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। जस्टिस, ये एक नया जन्म आपके पर्सन का हो रहा है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओके, मैं आपको बताती हूँ अभी, एक सेकेंड। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। देखिए देखिए, अभी आपके आपके सामने कार्ड को शफल किया मैंने। देखिए, ये कार्ड इस डेक में आया था, एस ऑफ वांड्स, अभी इसमें भी आ गया। एस एस के कार्ड दोनों साथ आए गाइस। कितना कंफर्मेशन चाहिए इस कनेक्शन में, न्यू स्टार्ट होगा, आप चाहो या ना चाहो, चाहे आपके पर्सन चाहे या ना चाहे। जस्टिस का कार्ड, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कनेक्शन में आपको न्यू स्टार्ट मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और ये न्यू स्टार्ट तो डेफिनेटली होकर ही रहेगा। कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई, अभी ये फिर से ये रिश्ता स्टार्ट होगा। डेथ नहीं है ये कुछ साइकिल्स का एंड है, और अभी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी आपकी, आपके पर्सन के साथ। और उस साइकिल के दौरान, जैसे ही वो न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, आपको जस्टिस सर्व किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। जो चीज़ें पास्ट में आपके साथ गलत हुई थी, अभी कर्मा अपना रोल प्ले करेंगे। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, अभी वो साइकिल उनके साथ रिपीट होगी जो आपके साथ हुई थी। सेम, अभी आप, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, और ऐसा समझ लीजिए उनके लाइफ में इसके अपोजिट एनर्जी आने वाली है। ओके, अभी ये कार्ड देखिए, डेथ की एनर्जी क्या बता रही है। डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। इनके अंदर, इनके मन, इनके अंदर, इनकी सोल में, ऐसा समझ लीजिए ये इंसान अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। इनके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो रही है। अभी मैं ये बताऊं कि डेथ का कार्ड, क्या चीज़ें खत्म हो रही है, इस इंसान की नकारात्मकता खत्म हो रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही है।
इनकी घटिया सोच खत्म हो रही है, इनके नेगेटिव थॉट्स, इनका नेगेटिव पैटर्न, इनके एडिक्शन वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और इनको थोड़ा वक्त लग सकता है आपकी तरफ आने में, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में चल रहा है, अभी रनिंग है, ठीक है, चल रहा है। सो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन पहला ही कार्ड देखिए, गुड न्यूज़ है, पहला ही कार्ड रीयूनियन का है, यूनियन में आने वाले हो फॉर श्योर। अभी एक बात मैं और आपको बता दूँ, बहुत ही मे भी आपको सुन के थोड़ा, मतलब ऐसा थोड़ी ना ये सारी बातें अच्छी अच्छी होंगी, एक बात बता देती हूँ। आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो प्रॉपर हील्ड नहीं आ रहे, इनको थोड़ी सी ऐसे समझो, इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है इस हीलिंग के लिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ये अपने सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, सोल सर्चिंग चल रही है इनकी, खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने पेन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये हीलिंग के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, ये प्रॉपर हील्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आएंगे सीधा कमिटमेंट देंगे, नहीं, इनको थोड़ा और वक्त चाहिएगा, आप इनको थोड़ा और स्पेस दें, कमिटमेंट भी आएगा, अभी न्यू स्टार्ट आया है तो कमिटमेंट भी आएगा, पहले इनको तो आने दीजिए, वरना पता लगा ये घर से निकल रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए और आप कॉल करके बोल रहे हो ओ आने की जरूरत नहीं है, आना है तो कमिटमेंट के साथ ही आना, वरना रहने देना, तो फिर क्या, थोड़ा सा वक्त दो इनको, आ जाओ। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में, जजमेंट। अगर आप लोगों ने नोटिस किया और अगर नहीं किया तो मैं करवा दूंगी, मेजर अर्काना कार्ड्स देखिए और कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, जजमेंट, डेथ, सन की एनर्जी, सन, डेथ, जजमेंट, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं गाइज, यूनिवर्स कर रहे हैं, आपके पर्सन की बस की बात नहीं है आपको जस्टिस देने की। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें राम जी, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स में जजमेंट का कार्ड क्यों है। थर्ड पार्टी की रियलाइजेशन हो रही है, थर्ड पार्टी, 3-3 फॉर श्योर, डेफिनेटली कंफर्मेशन, 3-3 ट्वाइस आया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी की ऐसा समझो, थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ रही है, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन अवेयर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनके सामने आ रहा है। ऐसा समझ लीजिए आपके पर्सन को, लिटरली मैं फिर से वही बात कहूँगी, क्योंकि मैं जब भी ये कार्ड देखती हूँ थर्ड पार्टी के, स्पेशली थर्ड पार्टी के साथ अगर कोई ये जजमेंट का कार्ड आता है तो मुझे बस यही एक लाइन मेरे कानों में गूंजती है, वो है जल्दी वहाँ से हटो। आपके पर्सन को लिटरली यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इस थर्ड पार्टी से निकलो, निकलने की ज़रूरत है, इस थर्ड पार्टी से, इस नेगेटिविटी से निकलना बहुत ज़रूरी है, आपका एक्शन लेना पड़ेगा, थर्ड, या तो थर्ड पार्टी या मेरे व्यूवर्स। तो यूनिवर्स उनको, देखिए यूनिवर्स का जो काम था वो यूनिवर्स ने किया है गाइस, यूनिवर्स ने इनको रियलाइजेशन भी दिलाई है, इनको ट्रुथ भी दिखाया है, इनको हिडन ट्रुथ भी दिखाया है, इनको रियलिटी दिखाया है लोगों का, इनके आसपास के लोगों का, मे बी थर्ड पार्टी का। सो उनको रियलिटी चेक मिल चुका है, ऐसा नहीं है अगर अभी आपकी तरफ आकर कोई बहाना देते हैं आपको तो वो सिर्फ बहाना है, वरना इनको सब समझ में आ गया है, चाहे भले ही ये एक्शन उसके अकॉर्डिंग ले या ना ले, लेकिन हाँ इनको समझ में सब आ गया, सबकी असलियत, कौन कितना पानी में है, कौन कितना कीचड़ में है, इनको सी, इनको सब असलियत समझ में आ गई है। एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, एट ऑफ वॉन्ट्स बोला मैंने, हो सकता है कम्युनिकेशन का कार्ड है ये, सो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन से, एट ऑफ पेंटिकल्स है अदरवाइज। ओके, टर्स वर्गो कैप्रिकॉर्न आप आपके पर्सन हो सकते हैं नंबर 8 एंड और क्या है 13 नंबर, किसी का 20 नंबर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो जैसे मैच हो वैसे लीजिएगा, अगस्त का महीना, मार्च, और एज ऑफ नाउ तो इतने दिखे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें जी, सी आर राम, वन मोर कार्ड, बाजी, वाह 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 वाह, क्या बात है, सक्सेस ही सक्सेस। आपके पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको एक, देखिए दोनों ही एक्शन के कारण है, आपको एक कप ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी भावनाएं आपको बताना चाहते हैं, अभी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
अभी इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए एनर्जी, वो भी ये जो भी एनर्जी आई है उसके भी आपको कंफर्मेशन मिल जाएंगे इन कार्ड्स के भी, देखते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे राइट नाउ। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका जो हार्ट है, आपका दिल है, वो हील होगा। खुद को हीलिंग की ज़रूरत है, हमें हीलिंग दे रहे हैं, पहले खुद तो हील हो जाओ, चले दूसरों को एडवाइस देने की। हार्ट हील हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। पहले जितना पेन हमें दिया है उतना हम आपको देंगे, फिर जाके हील होगा। सही कहा ना। थैंक यू फॉर टीचिंग मी व्हाट ट्रू लव इज। आप ही हैं वो जिन्होंने इनको बताया कि सच्चा प्यार क्या होता है, और आप ही हैं जिनको इन्होंने चीट किया, आप ही हैं जिनको इस इंसान ने साइड में करके थर्ड पार्टी को चूज किया। ये सिला दिया, बहुत अच्छा सिला दिया आपके वैल्यू का, आपके प्यार का, आपकी रिस्पेक्ट का। ये कार्ड नीचे गिरा है, ज़रूर लेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है इसमें। आई डोंट नो वट टू डू राइट नाउ, इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। मैंने क्या कहा था, एक्शन की बारी आई तब ये, वरना इनको क्लैरिटी मिल चुकी है, वरना इनको रियलिटी चेक मिल चुका है। और है, सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर बट आई डोंट केयर। अभी आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी ये आपको चूज़ करेंगे। कुछ लोग हैं जो आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते, आपको बताइए कौन है थर्ड पार्टी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें मिली है। आई एम वेटिंग फॉर ए साइन फ्रॉम यू। क्या कहा था मिला ना कंफर्मेशन आपको, क्या था ये, क्या बोला था मैंने, ये आपको स्पाइक कर रहे हैं, कहा था मैंने स्पाइक कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं जहाँ इनको झुकना भी ना पड़े। इनको डायरेक्ट ये आपको अप्रोच करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि या तो आप अप्रोच करो या फिर आप इनको कोई ऐसा साइन दो जिससे इनके मन का डर निकल जाए कि हाँ आप इनको रिजेक्ट नहीं करने वाले अगर अभी आते हैं तो आपकी तरफ। ओके, अभी हम आपके लिए सॉन्ग देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सॉन्ग बहुत है गाइस, अभी आज ऐसे नहीं निकालूंगी, आज कुछ अलग तरीके से सॉन्ग निकालती हूँ मैं। ओके, ये निकालते हैं। सॉन्ग आया है, रहना है तेरे दिल में मुझे, कहना कहना तुझसे है कहना, रहना रहना तेरे दिल में रहना, जाने जाना अब दर्द जुदाई, सहना सहना मुझको नहीं सहना। तो इनसे सहन नहीं हो रही जुदाई आपकी, और ये आपके दिल में रहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये यूनियन चाहते हैं। तेरे नाल जीवांगे, तेरे नाल मरांगे, असा तेरे नाल कीती सी जुबान सजना। सो आपके साथ इन्होंने बड़े मतलब ऐसे ऐसे प्रॉमिस किए ना, हाँ वो अलग बात है निभाए नहीं, लेकिन प्रॉमिस बहुत किए आपसे, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी इस इंसान ने। और फिर क्या हुआ, फिर क्या, सो आपके जो पर्सन हैं ये आपके दिल में रहना चाहते हैं, और कस्में वस्में आपको भुला के, मतलब ये चाहते हैं कि आप वो जो भी इन्होंने कस्में खाई थी वो आप भूल जाओ और एक न्यू स्टार्ट करते हैं, फिर पास्ट की बातों को तो जैसे भूल ही जाओ, उनसे कमिटमेंट तो मांगना ही मत, ऐसा ये कह रहे हैं आपसे। मैंने कहा था ना अभी ये प्रॉपर हील नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त, राम जी मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है, जब ऐसे चतुर चालाक पार्टनर आ जाए ना तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। हंसी मजाक में डील कीजिए, सीरियस मत होइए, इनकी बातों को दिल से मत लगाइए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकालिए। भगवान जी ने हमें दो कान तभी तो दिए, कुछ लोगों की बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आ गया समझ में। हंसना भूल गए हो आप। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। लाइफ का एक साइड लाफ्टर भी है, हंसी मजाक भी है, लेकिन आप क्या हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। जैसे आपको तो एक आदत सी हो गई है रोने की, मतलब आपका तो
दिन ही नहीं निकलता अगर आप नहीं रोते तो, या आप सीरियस नहीं होते, या आप टेंशन नहीं लेते तो। मुझे लगता है नाइट में सोते वक्त आपको यही थॉट आता होगा कि आज कोई टेंशन ही नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो बात है जो मुझसे छुपी हुई है, मैं याद कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी टेंशन हो जाए। क्या है कि आपको आदत लग गई है, सो इस आदत को छोड़ो, हंसना सीखो। लाइफ में और भी चीज़ें हैं, उन पर फोकस करो। वन मोर कार्ड, ओके, मैंने रखे थे ये वाला लेते हैं। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। मैंने कहा ना, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं वो, उनकी लाइफ बदलने वाली है, वो खुद बदलने वाले हैं, और ये चेंज आपकी लाइफ में भी एक्सपेक्टेड है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मोमेंट। कोई भी चीज़, आप ये समझो कि परिवर्तन ही जीवन, ही परिवर्तन है ना, परिवर्तन का नाम ही जीवन है। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, चेंज को एक्सेप्ट करें। इनका बदलना ज़रूरी है, सिचुएशन आपकी तभी बदलेंगी। और कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, ना आप है, ना मैं हूँ, ना आपका पार्टनर है, ना ये सिचुएशन है, ना सुख है ना दुख है, सबको बदलना ही है। तो जब सब बदल रहे हैं तो आप पीछे क्यों हैं, आप भी तो बदलो। लेकिन आप तो वैसे के वैसे ही हो, पास्ट में भी ऐसे ही अपसेट रहते थे, अभी भी ऐसे ही दुखी आत्मा। तो चेंज ज़रूरी है आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है, रेडी रहिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए खुशी खुशी, और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। अपने पर्पस पे ध्यान दें, आपका जो भी सोल पर्पस है उस पर ध्यान दें। और ये कार्ड ये भी बताता है, अगर आपका कोई गोल आपने फिक्स नहीं किया है, आप अपने गोल पे फोकस करें। आपका कोई लाइफ का गोल होगा, आप उस पे फोकस करें, इस इंसान से ध्यान भटकाएं। लाइफ में और भी चीज़ें हैं, उन पे भी ध्यान दें। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।